वॉचमैन। यस सर। वॉचमैन, ये लिफ्ट आज फिर काम नहीं कर रही। अरे किसी को बुलाकर से ठीक क्यों नहीं करवाते? सर जी आज सुबह सुबह ही लिफ्ट वाला आया था, तब तो ये लिफ्ट ठीक चल रही थी, पता नहीं रात को उसको क्या हो जाता है। क्या यार, इससे अच्छी तो मेरी पुरानी बिल्डिंग ही थी। यशो, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट। थैंक यू। एक हफ्ते में दो डेथ्स, पहले एक लड़की जैनिस सराव सुसाइड करती है और उसके दो दिनों के बाद कनन खन्ना की मौत होती है। आई एम श्योर इन दोनों डेथ्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कैसा कनेक्शन सर? जैनिस का केस तो क्लियरली सुसाइड लग रहा है और कनन के केस में सारे एविडेंस मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। विक्रांत, लेट मी फिनिश। बिसाइड्स द फैक्ट कि दोनों एक ही बिल्डिंग के रहने वाले थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की डेथ सफोकेशन से हुई। उनके लंग्स में सीमेंट भरा था। लेकिन सर, जैनिस तो छत से कूदी थी और कनन की इंजरीज को देख के लगता है कि उसकी डेथ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई, तो दोनों के लंग्स में सीमेंट के प्रेजेंस का क्या मतलब हो सकता है? लंग्स में सीमेंट के प्रेजेंस से लग रहा है कि एक ही इंसान ने इन दोनों को किसी और जगह ले जाकर सीमेंट में डुबोकर मार दिया और फिर एक ही बिल्डिंग में अलग अलग क्राइम सीन्स पर उनकी बॉडीज प्लांट कर दी। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ना तो कोई एविडेंस मिला है ना ही कोई सस्पेक्ट, सो गेट टू वर्क। नाम क्या आपका? जी पांडे जी। आप कौन? पुलिस। अच्छा पांडे जी, इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का कोई काम बाकी है? जी ये बिल्डिंग तो पूरी बन गई है, कई हफ्तों पहले इसका सारा काम खत्म हो चुका है। तो फिर क्या आप इस बिल्डिंग में कहीं कोई सीमेंट की बोरी रखी है? मैडम जी, जहाँ तक मुझे पता है बाहर तो कोई सीमेंट की बोरी नहीं रखी है, लेकिन हो सकता है इंटीरियर में किसी फ्लैट में अगर काम चल रहा है तो वहाँ पे अगर रखी हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, इस बिल्डिंग में जो दो लोगों की मौत हुई उसके बारे में क्या बता सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है, जैनिस मैडम इतनी हस्ती खेलती लड़की थी, पता नहीं छत से कूद के उसने सुसाइड कर दिया। और कनन कपूर की लाश भी सबसे पहले आप ही ने देखी थी ना? जी, लेकिन उसके बारे में कुछ मैं ज्यादा नहीं जानता। I already told police that my daughter didn't commit suicide. Please leave us alone, please. Walter, one minute. Actually, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए, जेनिस का हंसना बोलना जैसे बंद हो गया, वो चुप चुप से रहने लगी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बोला कोई उसे फॉलो कर रहा है, कोई उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे बार बार देखता रहता है, घूरता रहता है। प्लीज सर, प्लीज कम डाउन। मिसेस सेरा, जेनिस ने उस आदमी के बारे में कुछ और बताया था आपको? उसका हुलिया, वो कौन था, क्या वो उसे जानती थी, क्या दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, एनीथिंग एल्स? इनफैक्ट मैम, वो तो कहती थी कि ये डर्टी मैन वो इसी बिल्डिंग में रहता था और उसे हमेशा खिड़की से घूरता रहता था। शायद उसी टाइम मुझे पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। जेनिस का कमरा कौन सा है?
ये सब पेपर क्यों लगे हैं यहाँ? वो एक्चुअली जेनिस बहुत डर गई थी, कहती थी वो डर्टी मैन उसे इसी खिड़की से घूरता रहता है। आपके नौवे माले की खिड़की के बाहर से? यस। यहाँ पे तो कोई फायर एस्केप भी नहीं है, और कोई चोरी करने के बहाने पाइप से भी चढ़ा होगा तो भी एक बार, लेकिन बार बार और वो भी एक लड़की को घूरने के लिए, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। कनन सबका फेवरेट, दोस्तों में, ऑफिस में, अभी अभी उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी, कितना खुश था वो। I really don't believe कोई इसका मर्डर कर सकता। लेकिन वो जो कोई भी है वो इसी बिल्डिंग में। ये कैसे कह सकती हैं आप? 2 हफ्ते पहले हम यहाँ रहने, हमसे पहले कोई फैमिली नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी रोज रात हमें किसी की चीखने की आवाज आती थी। कभी कभी तो निकी रोते हुए आती थी कि मम्मा कोई गंदा सा आदमी मुझे लेने आएगा। आपने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, हमें लगा ये हमारा वहम है। ये निकी कहाँ गई? निकी, 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 वो यहाँ ऊपर तो कोई नहीं है। चलो लेट्स टेक होम। चल
निकी, क्या हुआ बेटा? शहर आ जाओ, आ जाओ। निकी, क्या हुआ? शहर क्या हुआ? कल रात वो मेरे खिड़की के बाहर खड़ा था। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसके कपड़ों पे सीमेंट और खून लगा हुआ था। अदिति, आई थिंक ये वही डर्टी मैन है जिसके बारे में जेनिस ने मुझे बोला था। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकती है जहां आपने उस आदमी को देखा था? जी। जी, वहां बालकनी में। नाश्ता कर लिया है मैंने। अरे ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, बाद में फोन करता हूं। जय श्री कृष्ण। अदिति है? जी वो आई थी, अभी वो ऊपर गई है। मिस्टर सालवे से पूछताछ कर। मिसेस सेराव और सहर ने बताया कि आप लोग ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं जान सकती हूँ क्यों? कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर मैडम। पहले तो रात में चीखने की आवाजें आती थी, अब तो दिन में भी ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है या हमारा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो लिफ्ट के और सीढ़ियों के आसपास ऐसे लगता था कि कोई है, पर अब तो घर में बैठकर भी डर लगने लगा है। महसूस क्या मतलब? आपने किसी सस्पिशियस आदमी को इस बिल्डिंग में आते जाते देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर इस बिल्डिंग में काफी नेगेटिव एनर्जी है। अब बस जल्द से जल्द इस फ्लैट को बेचकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। कौन है बाबे? अबे रुक! कौन है वहां पे? चल बाहर। कौन हो तुम? वहां क्या कर रहे हो? ऊपर आओ। कौन है बेटू? नाम क्या तेरा? सुब्बू, मो सुब्बू। क्या? कहीं काना है लगे सर। अबे क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है तू? हाँ, पहले कभी देखा नहीं तुझे यहाँ पे? मैं पेंटर,
पेंटिंग सेंटिंग करे अज्ञान सर। हाँ, वो तो दिख रहा है। किस फ्लैट में काम कर रहा है तू? मैं 302 नंबर फ्लैट में। अबे तू मुझे देखकर भागा क्यों? सीढ़ी के नीचे बीड़ी पीने लगे ले। बिल्डिंग में बीड़ी पीना अलाउ ना है। आपको देख के डर गया सो भागे। ग्राउंड पर पे है। हाँ विक्रांत, मैं आ रही हूँ। सर मैं 702 में राउंड मारने गया था, ये पेंटिंग कर रहा था, ये पेंटर ही है। और ये सुबह भी आया था। सर मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी सर। लेकिन पेंटर के भेष में कोई और भी तो आ सकता है। एक काम करते, इसे चौकी ले जाकर इंटरोगेट करते हैं, जस्ट टू बी श्योर। विक्रांत, ये वो आदमी नहीं है जिसके बारे में बिल्डिंग के लोगों ने बताया था। हमें इसे जाने देना चाहिए। क्या मतलब? अदिति, अदिति व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि ये आदमी इनोसेंट है? विक्रांत, मैंने अभी उस आदमी को 9th फ्लोर पर देखा और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि बिल्डिंग के लोगों ने बताया था। तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? विक्रांत, वो एक मिनट के लिए वहां था और फिर नहीं था। आई डोंट नो, वो मुझे नॉर्मल नहीं लगा। मुझे लगा जैसे कि वो कोई भूत हो। ये सही है, तुम्हें तो भूत दिखते ही थे, अब पब्लिक को भी दिखने लगे। अदिति, 2 मिनट के लिए लॉजिकली सोचे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो कोई मजदूर हो और किसी फ्लैट में काम चल रहा हो। शुभू भी किसी फ्लैट में काम कर रहा था और हमें पता तक नहीं चला। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो एक क्रिमिनल है और इन्हीं में से किसी खाली फ्लैट में रह रहा है। फैमिली इसको फॉलो कर रहा है ये जानने के लिए कि कब कौन फ्लैट में है कौन नहीं है, ताकि मौका मिलने पर चोरी कर सके। और जब भी उसे कोई देख लेता है वो उन पर अटैक करता है, उन्हें डराता है। आई काळजी नको करूस, एक पार्टी आली आहे, डील ओके होईलच, आपण सोडून निघतोय। तो बघ सगळं पाणी आणतो। लाईटला काय झालंय? तो पूरी तरह से सीमेंट में लगता था।
इस आदमी के मारने के तरीके में बदलाव आ रहा है। पहले तो सिर्फ लंग्स सीमेंट से भरी हुई थी, लेकिन अब तो अब चिते इस बिल्डिंग का आज के दिन का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। आज के दिन इस बिल्डिंग में कौन आया कौन गया सबका रिकॉर्ड चाहिए। अब तो पूरी बिल्डिंग ही छाननी पड़ेगी। पांडे जी से चाबियां लेंगे और सारे के सारे फ्लैट चेक करेंगे, भरे हुए खाली सब। जब मैं 9th floor पर गई तो वहां पर एक फ्लैट का दरवाजा खुला था। जब मैंने अंदर जाके देखा तो वहां पर एक दीवार पर सत्तू लिखा हुआ था। वहां एक सेकंड के लिए कोई था और फिर नहीं था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस फ्लैट की ओर किसी वजह से खींची चली। एंड आई एम श्योर इस सत्तू नाम का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए पांडे जी। वो मैडम ने कुछ कहा था अभी, सत्तू सत्तू। मुझे कुछ याद आ रहा है, इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के टाइम बड़े इंजीनियर साहब की मौत हुई थी। शुक्ला जी क्या हो गया? शुक्ला जी कुछ तकलीफ हो रही है क्या? अरे अरे कोई पानी लेके आओ यार। बड़े इंजीनियर साहब छाती पकड़ कर जमीन पर गिर गए और कुछ बड़बड़ा रहे। पहले तो हमें लगा किसी फैमिली मेंबर का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है जोशी, जैसे ही मिलेगा मुझे फोन कर। चल।
जोशी से फिलहाल तो कुछ नहीं मिला और इन फाइल से भी कुछ नहीं पता चल रहा। बिल्डिंग साइट की सारी परमिशंस, लाइसेंसेस, परमिट्स सब चेक किए, नो लक। मैं भी सारे फ्लैट के ओनर्स और रेसिडेंस नेम्स की लिस्ट चेक कर चुकी हूँ, पर सत्तु नाम से जुड़ा कुछ भी नहीं है। विक्रांत, मुझे लेबर्स और कंस्ट्रक्शन क्रू की लिस्ट नहीं मिली, उन फाइल्स में तो नहीं है? नहीं, उनमें नहीं है। दुबे को दोबारा भेजा तो था लाने के लिए, पर लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि उन फाइल्स में सत्तू नाम से जुड़ा जरूर कोई ना कोई लिंक है। इनफैक्ट मुझे डाउट है कि पहला विक्टिम वो सेफ्टी इंजीनियर शुक्ला तो नहीं है? ऐसा ही दुबे ने भी यही कहा था कि फैमिली ने हार्ट अटैक मान के उसकी ऑटोप्सी नहीं करवाई थी। तो तुम्हें लगता है कि बिल्डिंग के कंप्लीशन से पहले ही मर्डर शुरू हुए थे? इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं जाकर वो फाइल्स लेकर आता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं मिलती। विक्रांत? नहीं थैंक यू, नमक थोड़ा कम है। सुशांत पाटिल है ऑफिस में? सर। सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बैठिए ना। क्यों? पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना अच्छा लगता है क्या? अगली बार इनविटेशन भेज दूंगा। सर आप भी ना, बताइए ना सर क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे इंस्पेक्टर दुबे ने बोला कि तुझे क्रिस्टल स्काय के रिकॉर्ड ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो सोचा मैं खुद आकर मदद कर दूं। हाँ दुबे जी आए तो थे सर, दरअसल वो फाइल हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं मिल नहीं रही सर। पाटिल मुझे नहीं लगता कि वो फाइल मिल नहीं रही है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़े और इसलिए तू उसे छुपा रहा है, देना नहीं चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है सर। सुन पाटिल, मुझे क्रिस्टल स्काय के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, सारे लेबरर्स, वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, जिसने भी उस पर काम किया, चाहे वो एक दिन के लिए हो या एक घंटे के लिए, सबका नाम चाहिए। सर मैंने आपको बताया ना कि वो फाइल कहीं मिल नहीं रही है सर। ठीक है, तेरी कंपनी पे इंक्वायरी खुलवा दो सर। मेरी टीम अगर तेरे सारे रिकॉर्ड चेक करेगी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सर सर एक मिनट बैठिए ना सर प्लीज। हाँ श्रुति, वो क्रिस्टल स्काय प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से प्रिंट आउट करके मेरे पास आओ। हाँ सारे। इस बिल्डिंग के पेपर्स में काफी इरेगुलरिटीज है, लिफ्ट का लाइसेंस भी नहीं है और अभी भी काफी सारे पेपर्स मिसिंग है। वर्कर्स की लिस्ट में कुछ मिला तुम्हें? हाँ ये देखो, कंस्ट्रक्शन के आखिरी मंथ की लेबर्स लिस्ट। जब काम शुरू हुआ तो 146 थे लेकिन एंड में 144 है। आखिरी दो हफ्तों में दो नाम लिस्ट से गायब हो गए, एक तो ये रघु सिंह और उसके दो दिन पहले ये सतीश यादव। सतीश, कहीं ये सतीश सत्तू तो नहीं है? इन दोनों के कांटेक्ट डिटेल्स हैं इसमें? वही तो अजीब बात है, दोनों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। जोशी को कॉल करना पड़ेगा। निकी, इधर आओ निकी। निकी, इधर आओ बच्चा। Nikki? 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 Nikki
मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। नहीं, तूने कुछ नहीं किया, बस दो चार मर्डर करने में सत्तू की मदद की है। मर्डर? सत्तू ने? देख ज्यादा बन मत। अगर तूने कुछ किया नहीं है तो माफी क्यों मांग रहा है? बेगुनाह तो तू है नहीं। मैडम, सत्तू मर्डर कैसे कर सकता है? सत्तू को मरे हुए तो 3 महीना हो गए। निकी! बोलो। निकी लिफ्ट में है और लिफ्ट नहीं हटा के ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अगर निकी को कुछ हो गया तो? सबसे पहले तुम पांडे जी से कह के लिफ्ट का पावर कट करवाओ और लिफ्ट का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करो। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? निकी लिफ्ट में फंस गई है, बाहर नहीं निकल पा रही है। तुम आगे जाओ, मैं इसकी डॉकेट में एंट्री करके आता हूँ। आप सब लोग पीछे हटे, मैं निकी। चलो पूरी बात बता रहा हूं। सत्तू कैसे मरा? साहब, उस दिन मैं और सत्तू 8वें वाले में काम कर रहे थे। वो शुक्ल है ना साहब, उसने नई रस्सी देने से मना कर दिया। बोला नई रस्सी नहीं दूंगा, जो है उसी से काम चलाओ। पर मुझे तो डर लगा साहब, पर सत्तू ने साहब जैसे तैसे करके काम शुरू कर दिया। सत्तू? हाँ। गांव कब जाएगा तू? सोच रहा हूँ 1 हफ्ते बाद निकल जाऊं। सत्तू? हाँ। ये सेठ सब सामान खराब दिया है और तू नीचे भी ज्यादा चला गया है, चल ना। बोला ना आ रहा हूँ, वैसे सबर का फल ना मीठा होता है। अचानक से रस्सी टूट गई और 8वें माले से सत्तू नीचे गिर गया। कौन से लखपत था साहब, कौन से लखपत था? सत्तू, क्या कर रहा है ये? सत्तू, कैसे हुआ ऐसा? सर रस्सी टूट गई सर। तुमने से सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं बना? आपने सेफ्टी बेल्ट दिया ही नहीं और रस्सी भी पुरानी थी सर। शट अप, भैंस मत करो मुझसे, जाओ दफ्तर में सेफ्टी बेल्ट लेकर आओ, चलो। मैं भीख मांग रहा था साहब, मैं भीख मांग रहा था कि सत्तू को अस्पताल ले चलो, सत्तू को अस्पताल ले चलो, लेकिन शुक्ला ने कुछ भी नहीं सुना, वो तो अपनी ही सोच रहा था साहब।
साहब, इसके सत्तू की सांसें चल रही साहब, इसे अस्पताल ले चलिए साहब, कहीं देर ना हो जाए। ए, क्या करना है क्या नहीं हमको मत सिखा। डरा धमका के शुक्ला ने मेरा मुंह बंद कर दिया और सत्तू को बिल्ली के नीचे सीमेंट में गाड़ दिया। गाड़ी में रुक, मैं अभी आता हूं। अरे आदित्य मैडम है क्या ऊपर? पता नहीं साहब, शायद ऊपर ही है। सब बता दिया, दुबे आ रहा है, दुबे आ रहा है टीम लेके, सत्तू की बॉडी मिल जाएगी। तुम चलो। सर, रघु ने जो स्पॉट बताया था वहां से मिला, बड़ी मुश्किल से निकाला इसको, सीमेंट में दफनाया गया था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट? कंकाल आदमी का है, 30-35 के बीच का, बस इतना कंफर्म हुआ है। ठीक है।
विक्रांत सत्तू चाहता था कि उसकी मौत का सच सामने आए, और अब जबकि सच सामने है, शायद आज के बाद सत्तू कभी क्रिस्टल स्काई में नहीं दिखेगा। आपका काम बन जाएगा, और क्या चाहिए आपको, फिर उसको दूसरी जगह में भी जाना।